ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। शहर के मुख्य बाजार को किया गया कंटेनमेंट एरिया घोषित, जहां नहीं हुए मापदंड पूरे। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। जानकारी अनुसार शहर के मुख्य स्थल सदर बाजार को कोविड-19 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बैरिकेड्स लगाकर आम रास्ता को बंद कर दिया, लेकिन बाजार में प्रशासन शासन के मापदंड अधूरे दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण दुकानदार व्यापारी सभी अपनी अपनी निजी दुकानों को खोलते बंद करते नजर आ रहे हैं। जब बाजारों में आम जनता को घूमते हुए देखा गया तो शहर के वरिष्ठ अधिकारियों ने दलबल के साथ कंटेनमेंट एरिया में दस्तक दी। मौका स्थल पर पहुंचकर लगाया गया अलाउंस, दो दुकानों को सील कर 151 व 170 की कार्यवाही की गई। मौका स्थल पर मौजूद रहे विंड SDM ओम नारायण सिंह, तहसीलदार प्रमोद गर्ग, CSP आनंद रॉय, CMO नगर पालिका पर्षद ज्योति सिंह, नगर पालिका का अमला आदि कर्मचारी मौजूद रहे। विंड SDM के द्वारा कंटेनमेंट एरिया के पास खुली हुई दुकानों को बंद भी कराया गया और आम जन से अपील भी की। कोविड-19 के तहत कोरोना संक्रमण से ग्रसित करीब 9 परिवार देखे गए। बाजारों में अलग अलग स्थान से सैंपल भी कलेक्ट किए गए। महावीरगंज थोक फुटकर बाजार से 60 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, फिर भी उस एरिया में कोई भी सुरक्षा के इंतजाम दिखाई नहीं दिए हैं। जब मीडिया की टीम ने वीडियो बनाना शुरू किया तो लोगों के शटर बंद होने की आवाजें सुनने को मिली। 14 से 21 दिन तक बाजार बंद करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी तो बोल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की दुकानों के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में उनकी दुकान पर कोई भी अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। पहले भी शॉर्ट सर्किट से काफी दुकानों में आग लग चुकी है, चोरी की घटना भी हो चुकी है, इसलिए जिला प्रशासन इंतजाम कराए तो सारे व्यापारी अपनी दुकान को बंद रखने में सहयोग करेंगे। भिंड शहर के उस सदर बाजार की वो तस्वीरें आज आपको दिखाई है, जो सदर बाजार के अंदर कोविड-19 के तहत यहाँ कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा धीरे धीरे पांव पसार रहा है। यहाँ व्यापारी वर्ग की हम बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग निरंतर अपनी दुकानों को खोल रहा है, साथ साथ यहाँ व्यापार करने के लिए बाहर भी जाना हो रहा है, जैसे कि दिल्ली है, अहमदाबाद है। ऐसी एरिया से लौटते वक्त जब उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तब जांच कोरोना संक्रमण की कराई जाती है और जिला अस्पताल में उस जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। करीबन 12 परिवार इस सदर बाजार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ही यहाँ कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया के साथ साथ यहाँ नगर पालिका के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने विशेष यहाँ निगरानी करना तो प्रारंभ कर दी है, लेकिन सख्ती के हिसाब बिल्कुल शून्य देखे गए हैं। जब भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तभी यहाँ आवागमन बंद हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के चले जाने के बाद आवागमन बाजारों में वैसे ही फिर दिखने लगता है, जो कि सदर बाजार में बना हुआ हाल देखा जा रहा है। आपको विशेष हम उस एरिया का पूरी सदर बाजार को घोषित किया है और ये कंटेनमेंट एरिया परेड चौराहे से लेकर मस्तानका बाबा की गली तक संपूर्ण तरीके से दुकानों को बंद करने के दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। साथ साथ यहाँ ये भी हिदायत दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापारी वर्ग या फिर कोई भी व्यक्ति इस एरिया में दुकान को खोलता है तो उस पर धारा 170, 151, 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध होगा, दुकानें भी सील हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पुनः वो ठर्रा चल रहा है, यहाँ लोग अक्सर अपनी दुकान का शटर लॉक तो कर लेते हैं लेकिन ग्राहक आने पर शटर ओपन भी कर देते हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण रोकथाम की बजाय यहाँ धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। शहर के सदर बाजार की उस एरिया का हम आप लोगों को वो दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि दुकानें तो संपूर्ण तरीके से बंद कर दी गई हैं, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों की आमद होती है तो दुकानों के शटर संपूर्ण तरीके से लॉक हो जाते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन यहां से अन्य जगह पर पलायन कर जाता है तो लोगों की भीड़ इस सदर बाजार में पुनः दोबारा से दिखने लगती है। जबकि हम बात करें यहाँ तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष यहाँ सुरक्षा के इंतजाम
करना चाहिए। एक तरफ नगर पालिका साफ सफाई स्वच्छता की बात कर रही है, वहीं नगर पालिका की गाड़ियां तक इस कंटेनमेंट एरिया में कचरा उठाने के लिए भी नहीं देखी गई। साथ ही यहां नगर पालिका के द्वारा जो सैनिटाइजर का प्रयोग दुकानों पर दीवारों पर किया जा रहा है, वो सैनिटाइजर भी यहां छिड़काव के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन यहां सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल शून्य नज़र आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से यहां पुलिस की सुरक्षा, साथ ही नगर पालिका के भी विशेष जो पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, मात्र बैरिकेड्स लगाकर यहां सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि यहां पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कड़े होना भी लाजमी थे। लेकिन इन कंटेनमेंट एरियाओं के हाल ये हैं कि यहां लोगों का आवागमन तब शुरू हो जाता है जब वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन इस एरिया से चले जाते हैं। मुझे जानकारी मिली, मैं CSP साहब, CMO आए हैं और अभी तो मैं काफ़ी कंट्रोल में है, बात ऐसा खुली नहीं है और अभी हमने दो दुकानदार जो इसकी खुली मिली उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जैसे सर और क्या पुख्ता इंतजाम होंगे यहाँ सर? पुख्ता इंतजाम, इस क्षेत्र को सैनिटाइज कराना तो मैडम ने करा दिया था, अभी और शाम को सैनिटाइज कराया जाएगा। यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी चीज़ होती है जागरूक करना, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति को मोटिवेट करना है अपने को कि इस क्षेत्र में अपने घरों में रहें, खासकर जिस घर या उसके आसपास जहाँ पर भी प्रभावित क्षेत्र है उससे दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, लोगों से कनेक्टिविटी की नज़र बहुत दूर रखे जाए और जो भी मेडिसिन वगैरह है डॉक्टरों की सलाह पर प्रयोग किए जाए। आज दो दुकानों को भी सील किया गया है? हाँ, दो दुकानों को, जिसको हमको प्रत्यक्ष रूप से हमको दो दुकान खुली मिली तो हम लोगों ने उसको पूरा सील करा और उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की। विशेष जो कंटेनमेंट एरिया है, इस एरिया में पुलिस की सुरक्षा नहीं है, पुलिस के जवान जो तैनात रहते हैं उनको जिस प्रकार से रूकबंदी लगाना चाहिए वो नहीं है, महिलाओं का आवागमन भी हो रहा है। नहीं नहीं, देखो कंटेनमेंट क्षेत्र में रोक के लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं और पुलिस भी अभी है बल अपने पास, अभी जितने बल अपन उसकी एबिलिटी के अनुसार काम कर रहे हैं और अभी भी मौजूद है और हम लगा रखे हैं। अगर कोई हमको थोड़ी बहुत कमी दिख रही तो अभी वो फोर उसको वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे सुरक्षा के लिए? मैं यही अपील करना चाहता हूँ प्रत्येक जनता से कि पूरा प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। आपकी सुरक्षा इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस से इफेक्टेड व्यक्ति तुरंत इफेक्टेड होता है और बहुत घातक भी है। हम ये चाहते हैं कि आप दूरी बनाए रखें, खासकर कंटेनमेंट क्षेत्र में अपने घरों में रहें, मास्क पहनें, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शारीरिक तकलीफ या इन्फेक्शन या फ्लू होता है तो हमारे डॉक्टरों से सलाह लेके वहाँ से मेडिसिन प्राप्त करें और किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना करें जो COVID-19 गाइडलाइन के विरुद्ध। बाजार कितने दिनों तक बंद रखा जाएगा? तो कोविड गाइडलाइन के अनुसार अभी हम उसको 14 से 21 दिन का है और अभी कुछ रिपोर्टें आती है उसके बाद हम उसको बाजार को फिर उस हिसाब से कंटेनमेंट क्षेत्र को व्यस्त करते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट।